बकेट ऑफ वाटर वेइंग 10 केजी पुल्ड अप फ्रॉम ए 20 मीटर डीप वेल बाय रोप वेइंग 1 केजी पर मीटर लेंथ, देन द वर्क डन इज ऑप्शन ए 200 केजी पर मीटर, बी 400 केजी पर मीटर, सी 500 केजी पर मीटर एंड डी 600 केजी पर मीटर। हेलो डियर्स, हमारा टॉपिक है टेक्निकल एमसीक्यू, ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2017 का है, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इसमें पूछा है कि एक बकेट ऑफ वाटर जिसका वेट क्या है 10 केजी, ठीक है, उसको खींचा जा रहा है किसी 20 मीटर डीप वेल से, यानी कि 20 मीटर कुएं से, ठीक है, जिसका डीप क्या है यानी कि गहरा जो है 20 मीटर है। एक बकेट ऑफ वाटर है, एक बकेट ऑफ वाटर है, ठीक है, ये बकेट ऑफ वाटर हो गया आपका, वाटर बकेट ये है, ये क्या है, इसका वेट क्या है 10 केजी है, और इसको 20 मीटर डीप वेल से ऊपर खींचा जा रहा है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये कितना है 20 मीटर, और इस क्या दिया है बाय रोप वेइंग 1 केजी पर मीटर। ये जो रोप है, ये हमारा रोप जो है, ये क्या है कि इसका वेट क्या है 1 केजी पर मीटर है, 1 केजी पर मीटर, 1 केजी पर मीटर है। हमें फाइंड करना है कि ये जो इस प्रोसेस सारा काम हुआ उसका वर्क डन हमें फाइंड करना है क्या होगा। तो इसमें गिवन डाटा जो है वेट ऑफ बकेट, ठीक है, बकेट ऑफ वाटर नहीं, उतना लंबा नहीं लिखना है, वेट ऑफ बकेट, ठीक है, वेट ऑफ बकेट, चलो इसको WB से डिनोट कर देते हैं। तो वेट ऑफ बकेट कितना दिया है 10 केजी, फिर क्या दिया है डीप दिया है, ठीक है, यानी कि डीप यानी कि ये डिस्टेंस दिया है, ठीक है, सो डिस्टेंस फ्रॉम वेल डी इक्वल्स टू कितना दिया है 20 मीटर, और क्या दिया है रोप, जो रोप का वेट है वो कितना है 1 केजी पर मीटर, यानी कि रोप वेट इक्वल्स टू 1 केजी पर मीटर। तो यहां पे 20 मीटर है, ये जो डीप है तो 20 मीटर है, तो इसका जो रोप का लंबाई भी होगा क्या होगा 20 मीटर होगा, तो 1 केजी पर मीटर यानी कि 1 मीटर में 1 केजी, ठीक है, 1 केजी इन 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर इन 1 केजी, 1 मीटर इन 1 केजी, सो रोप वेट यानी कि रोप वेट WR से इसको डिनोट, सो रोप वेट 1 केजी, 1 मीटर इन 1 केजी और 1 केजी इन 1 मीटर सेम बात है, सो ये 20 मीटर में कितना हो जाएगा 20 केजी हो जाएगा, ठीक है, तो रोप वेट कितना हो गया 20 केजी। अब इसका वर्क डन फाइंड कर देते हैं, ठीक है, सो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन ये क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू हो जाएगा बकेट, यहां पे दो वर्क हो रहा है, एक बकेट के द्वारा जो किया जा रहा है, ठीक है, और फर्स्ट वर्क एक बकेट के द्वारा किया जा रहा है और एक ये रोप के भी द्वारा वर्क किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा वेट इनटू डिस्टेंस, सो वर्क डन हो जाएगा वेट ऑफ बकेट, वर्क डन इक्वल्स टू वेट ऑफ बकेट इनटू डिस्टेंस, जो बकेट का डिस्टेंस है, वेट ऑफ बकेट इनटू डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया, ये फर्स्ट वर्क हो गया, प्लस वेट ऑफ रोप इनटू डिस्टेंस, वेट ऑफ रोप इनटू डिस्टेंस।
अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वर्क डन आ जाएगा। तो वेट ऑफ रॉक कितना है, वेट ऑफ बकेट क्या है, 10 kg। सो 10 इंटू डिस्टेंस इसका है 20 मीटर, ये डिस्टेंस है 20 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 20 मीटर प्लस वेट ऑफ रॉक। अब ये ध्यान देना कि वेट ऑफ रॉक, सो वेट ऑफ रॉक क्या है, ये है 20 kg, ठीक है। लेकिन वेट ऑफ रॉक एक्ट कहां पे करेगा, वेट ऑफ रॉक जो है, ठीक है, ये इसको कहां से लेंगे, ये 20 kg तो पूरा लंबाई इसका हो गया, तो इसका हम लेंगे फॉर अ डिस्टेंस, इसका सेंटर ऑफ मास पे लेंगे वेट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास पे ये पूरा लंबाई 20 मीटर है, तो सेंटर ऑफ मास पे इसका लंबाई क्या हो जाएगा, ये जो सेंटर ऑफ मास इसका लेंगे डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर। सो रॉक डिस्टेंस कितना हो गया, इसे ये हो गया 10 मीटर, ठीक है, ये हो गया रॉक डिस्टेंस, रॉक डिस्टेंस ये कितना हो गया 10 मीटर, 10 मीटर, क्योंकि इसका जो वेट जो है सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा, ठीक है, यहां पे सेंटर ऑफ मास, तो इसका वेट, इस रोप का वेट क्या, जो ये रोप का वेट होगा कहां पे एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास पे, तो सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, ठीक है, ये 10 मीटर, तो रोप डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 मीटर। सो वेट ऑफ रोप हमने जो निकाला है ये 20 kg प्लस डिस्टेंस 10 मीटर, ठीक है। हमने यहां पे यूनिट नहीं पुट किया है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, आप पुट भी करके कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। सो 20 × 10 कितना हो गया 200 प्लस, फिर 20 यहां पे इंटू होगा, हमने प्लस कर दिया है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वेट इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, सो यहां पे हो जाएगा वेट इंटू डिस्टेंस वर्क डन के लिए 100, फिर इधर 20 दे 200, यानी कि ये पूरा जो हो जाएगा वो होगा 400 kg मीटर, ठीक है, ये जो वर्क डन होगा पूरा ये निकलेगा कितना 400 kg मीटर, ये हो गया हमारा आंसर। तो 400 kg मीटर यानी कि ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन बी, ये जो दिया है ऑप्शन बी 400 kg मीटर, ये इसका होगा आंसर। तो ये था आज का क्वेश्चन कि हमें फाइंड करना था कि वर्क डन क्या है यहाँ पे, ये बकेट ऑफ वाटर वेइंग 20 kg, बकेट ऑफ वाटर वेइंग 10 kg इज पुल्ड अप फ्रॉम 20 मीटर डीप वेल बाय रोप वेइंग 1 kg/m लेंथ, देन द वर्क डन इज, तो इसका आंसर क्या हुआ जो हमने अभी फाइंड किया, वर्क डन क्या निकला 400 kg/m, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, थैंक्स।